गोबट के तीन है, कट्टीवाला के दो है। अब नागर सिंह और सांसद जी एक ही बात कह रहे हैं कि बाकी सब गांव में भी पानी ले आओ मामा जी। तो बताओ बाकी सब गांव में पानी लाना है? अरे जोर से बताओ, लाना है। तो आज मैं ये कह के जा रहा हूं, अलीराजपुर वालों, अलीराजपुर के जितने भी खेत हैं, चाहे ऊंचे नीचे हो, मामा पाइपलाइन बिछवाएगा और आपके खेतों में पानी पहुंचाएगा। बताओ कांग्रेस ने कभी हमें पानी दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? पानी मामा ही ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दूसरी बात, अलीराजपुर को जिला हमने बनाया, अलीराजपुर में सड़कें हमने दी, अलीराजपुर में बिजली की व्यवस्था की, अलीराजपुर में कन्या शिक्षा परिसर दिए, अलीराजपुर में सीएम राज स्कूल दिए, अलीराजपुर में कई कॉलेज खोले, लेकिन इस बार जिताओ तो अगली बार कृषि महाविद्यालय अलीराजपुर में खोला जाएगा। मामा पर विश्वास है सबको? अरे जोर से बताओ, विश्वास है। तो तीसरी बात, काम काम की बात कर लें। तीसरी बात यह है कि बाईपास अलीराजपुर का बनना चाहिए, तो अलीराजपुर में हम बाईपास भी बनाने का काम करेंगे। हर टोले और मजरे में बिजली पहुंच जाए, उसके लिए भी हमने राशि स्वीकृत कर दी है। अभी सब स्टेशन बनाने में बिजली के थोड़ी दिक्कत हो रही है निजी जमीन के कारण, तो शासकीय जमीन ढूंढ के वहां भी बिजली का सब स्टेशन बनवाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप मुझे बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मेरी बहना बताए, मुख्यमंत्री हूं कि भाई हूं? मैं तुम्हारा भाई हूं, बेटा बेटियों का मामा हूं। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। ये मेरा परिवार बैठा है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य, और परिवार के लिए जो जो करना चाहिए मैं सब करने की कोशिश करता हूं। मेरी बहनों, आप परेशान होती थी, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी बहनों को पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी अगर कपड़े दिलवाने की बात कहे तो माँ की इच्छा होती थी कि दिलवा दूं, लेकिन पैसा नहीं होते थे तो माँ की सूरत उतर जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटा बेटी कहे कि किताब दिला दे माँ, पास पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि नहीं? मैं तुम्हारा भाई हूं मेरी बहनों, मैंने तुम्हारी वो तकलीफ जान ली और फिर तय किया कि मेरे रहते हुए मेरी बहनें 1000 रुपया के लिए हाथ फैलाए, ये नहीं होने दूंगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि मेरी बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालूंगा, हर महीना। बताओ पैसा आ रहा है कि नहीं? जोर से बताओ, आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब ये 1000 रुपया नहीं मेरी बहना, अब 1250 दे रहा हूं, 1000 थोड़ी। अब फिर 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख याद है कि नहीं सबको? 10 तारीख को क्या होगा? अरे 10 को क्या होगा? भैया फिर पैसा डालेगा। और सुनो मेरी बहनों, जब मैंने बहनों से पूछा कि योजना के कारण तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो मेरी बहन एक बोली, अरे एक मिनट बहन, अब बैठ जाए बहन, ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो। मेरी एक बहन बोली कि अब तो हमारी घर में इज्जत बढ़ गई है, अब तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? और बोले रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के कहती, दे दो बहू को, पैसा तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो सांप भी ठीक से बोलते हैं। पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए? मेरी बहनों,
पैसा इज्जत बढ़ाता है, मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, मेरी बहनों को सम्मान दिया है, मेरी बहनों को मान दिया है, मेरी बहनों को इज्जत दी है। और सुनो मेरी बहन, यहां तक रुकूंगा नहीं, 1000 से करे मैंने 1250, अब और पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि पैसा बहुत सारे देने पड़ते हैं ना। अगर 15 मेरी बहनों को 1,32,00,000 पे ने, अगर उनको 1,000 रुपया देता हूं तो 15,000 करोड़ लगते हैं। कितने लगते हैं? अरे बोलो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़। अब बढ़ाना है 250 तो मुझे फिर अलग से 4,000 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो व्यवस्था कर रहा हूं। जैसे ही वो व्यवस्था हो गई, 1,250 से करूंगा 1,500, फिर 1,500 से करूंगा 1,750, फिर 1,750 से करूंगा 2,000, फिर 2,000 से करूंगा 2,250, फिर 2,250 से करूंगा 2,500, फिर 2,500 से करूंगा 2,750, और बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोल दो, पूरी दुनिया सुन लूंगा, फिर कितने करूंगा? पूरी दुनिया सुन ले, ये तुम्हारा भाई कह रहा है, और भाई भी सौतेला नहीं हूं, सगा हूं। अरे सगा भाई हूं कि नहीं? 3,000 रुपया करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ नहीं रहने दूंगा।